तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चे, इस चैप्टर का आपको बेसब्री से इंतजार था कि भाई ये चैप्टर कब शुरू होगा, क्योंकि ये हमारे क्लास 10th में सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये चैप्टर तो आएगा, तो बच्चे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आते ही हैं इस चैप्टर से, लेकिन कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, कौन से क्वेश्चन पढ़ें, कैसे तैयारी करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखो, जब आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जाते हो ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक फेस करनी पड़ती है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे इसमें करना क्या है। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि आपका बेस जो होता है इस चैप्टर के लिए जो है वो आपका स्ट्रांग नहीं होता है। तो आज के सेशन में हम आपका बेस स्ट्रांग करने आए हैं। अगर आज के सेशन को आपने पूरा देखा, लास्ट तक देखा, तो आप बेसिक जो आपकी नॉलेज है, या हम कहें कि बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो 100% मैं स्ट्रांग करके ही जाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ संभव है। पूरी प्रश्नावली 6.1 करेंगे, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि आधे समय में जो होगा वो होगा इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन करेंगे। बच्चे, मेरी सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स, माय डियर। कृपया आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो, ताकि हम इसमें अच्छे से सारी चीजों को समझ सके। इस चैप्टर का मैं वन शॉट कर चुका हूं, लेकिन वो 2023 के अकॉर्डिंग था, क्योंकि हमें नया सिलेबस पढ़ना है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अब मुझे उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उतना ही शुरू करेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक करें, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, फिर मैं बाल को जल्दी से आगे बढ़ूंगा। आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें प्लीज। सभी लोग शेयर कर दें प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा। बेसिक मेरा कंप्लीट नहीं है सर। हाँ, अभी बेटा सब कंप्लीट कर देंगे, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक तो करोगे नहीं बालक तुम लोग, पता है मेरे को। अब एक सवाल आता है, ये एक छोटा सा बच्चा ये कह रहा है कि पर्वत की ऊंचाई नापना बहुत आसान है। लेकिन पर्वत की ऊंचाई नापना आसान तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को अपना कंप्लीट करेंगे कि कैसे एक पर्वत की ऊंचाई को नापना है। तो क्यों इस त्रिभुज चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं? त्रिभुज इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि त्रिभुज को पढ़ने के बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा बना के सॉल्व कर लेंगे। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई ये बड़ा सा पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत को ऊंचाई को नाप लेंगे, ये वाली दूरी नाप लेंगे, ये कितना ऊंचा है वो नाप लेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें, ये बेस इसका नाप सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चे चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन। अब एक छोटा सा लड़का है और एक छोटा सा गाना भी है, मैं आपके आपके लिए सुनाऊंगा कि तू कहे तो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, लेकिन तू उसका करेगी क्या, है ना। तो ये लड़का है ना, अपनी छत पे खड़ा है और कह रहा है वाह मैं तो चांद पर पहुंच जाऊंगा। ये कोशिश कर रहा है कि आपके लिए चांद लेकर आए, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि वो चांद इसके सामने ही है ना। चले बालक, अच्छा शुरू करते, बहुत हो गया हंसी मजाक। तो बच्चे, इस त्रिभुज चैप्टर से हम चांद कितना ऊपर है ये भी नाप सकते, जमीन से कितना ऊपर है ये भी मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, वही चीजें आज के सेशन में हमें समझना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। अब बच्चे देखो, सबसे पहले बेसिक सा आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, यानी कि पहली जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि भैया इसमें तीन जो है ना वो भुजाएं होती हैं, ये बात सभी को पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से सुन लो बच्चे। अब तीन इसमें क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, है ना। शीर्ष का मतलब क्या होता है, अगर हम शीर्ष की बात करें तो ये देखो एक शीर्ष, ये इसका दूसरा शीर्ष, ये इसका तीसरा शीर्ष, इसमें तीन कोण होते हैं, ये एक पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, ये हमारा तीसरा कोण हो गया, यानी कि इसमें कोण अगर हम लोग बात करें तो टोटल इसमें तीन कोण होते हैं।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, इस कोण के सामने ये भुजा है, इस कोण के सामने ये भुजा है, इस कोण के सामने ये भुजा है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे तीन शीर्ष हो गए, तीन हमारे पास कोण हो गए, बहुत सारी चीजें इसमें तीन तीन है। अगर हम त्रिभुजों की बात करें तो बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, इनके बारे में एक एक करके आपको मैं बताता रहूंगा। तो पहला त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चे समबाहु त्रिभुज। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि भाई हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो भाई थोड़ा पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। दूसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला हो गया सारी भुजाएं बराबर, दूसरा हो गया बच्चे जिसकी दो भुजाएं बराबर ना, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यार सारे बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कर दो। इसके बाद हमारा तीसरा मेरे प्यारे बच्चे है, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, नाम में ही सब कुछ दिया गया है, मुझे मतलब अलग से दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर है, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं हो। उसके बाद चौथा है हमारे पास समकोण त्रिभुज, जिसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि भैया एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो, यानी एक कोण इसका 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो मान लो ये एक सर ने त्रिभुज बना दिया और इसका ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का बना दिया। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारा कक्षा 10 है, हमारे कक्षा 10 में आखिर क्या पढ़ना है? यार एक बच्चा लगातार फोन पे फोन कर रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपना फोन साइलेंट कर दूं, ठीक है? हाँ, तो कक्षा 10 में हमें क्या पढ़ना है? कक्षा 10 में हमें पढ़ना है समरूप त्रिभुज, है ना? ये हमें कक्षा 10 में पढ़ना है समरूप त्रिभुज। अब ये समरूप त्रिभुज क्या होता है? इसको पढ़ने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि चर्वांगशम त्रिभुज क्या होते हैं। तो कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया था कि सर्वांगशम त्रिभुज क्या होता है, अब कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। यानी कि अगर हम लोग अंग्रेजी भाषा में इसको समझें तो ये कहेंगे कि भाई सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, और अगर हम सर्वांगशम की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर हम लोग कक्षा 9 में सर्वांगशम त्रिभुज पढ़े थे और कक्षा 10 में हम लोग समरूप त्रिभुज पढ़े थे, ठीक है? ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। ओके माय डियर, तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है कि भाई क्लास 10th के हमारे सिलेबस में समरूप त्रिभुज है। अब भाई बात आती है कि समरूप और सर्वांगशम ये आए कहां से, इनको जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब ये बच्ची सोच में पड़ गई है कि हम किसे कहते हैं समरूप आकृतियां, हमारी समरूप आकृतियां क्या होती हैं, ये समझते हैं। अब जैसे बच्चे इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस पिक्चर को जरा आप ध्यान से देखो, ये आपके कौन है, ये आपके प्यारे सियोम सर हैं। सियोम सर की जब ये सिल्वर प्ले बटन आई थी तो सियोम सर ने एक पिक्चर क्लिक किया और सर ने देखा कि ये दोनों पिक्चर्स में एक पिक्चर बड़ी है, दूसरी पिक्चर जो है छोटी है। इनका क्या दिखाई दे रहा है? सर का चेहरा भी देखो एक जैसा ही है दोनों में, ये इसका, ये भी अगर हम इनका रूप देखें तो समान है। यानी कि एक चीज पता चल रही है मेरे को कि इनका जो रूप जो दिख रहा है वो क्या है, समान है। बहुत प्यार के साथ समझने की प्लीज कोशिश करो, इनका रूप जो है वो समान है, यानी इनका रूप जो है वो क्या है, समान है। क्लियर है माय डियर? उसके बाद फिर आगे देखो बच्चे, लेकिन इनका साइज जो है, यानी इनका जो साइज है, साइज को हम आकार कहते हैं, ये हमें असमान दिख रहा है। इस बात से ये पता चला कि भैया ये इनका रूप समान है, इसलिए हम कह देंगे कि ये समरूप है। समझ में आई क्या इतनी बात? क्या बच्चे सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, क्या इनका रूप समान है, ये बात समझ में आ गई? अब मेरे प्यारे बच्चे जरा फिर से देखो, ये हमारे पास दो किताबें हैं, ये हमारे पास दो किताबें हैं, ये पहली किताब है और मेरे प्यारे बच्चे ये दूसरी किताब है। ये हमारे पास दो किताबें हैं, इन दोनों किताबों को जरा आप गौर से देखिए, ये दोनों किताबों में एक किताब छोटी है, एक किताब बड़ी है।
मैं लेकिन देख रहा हूं कि ये भी हमारी किताब जो है और ये किताब है, इनका रूप क्या है बालक? समान है। तो जब रूप समान हो तो हम बोलेंगे कि वो हमारे समरूप होते हैं। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? अब मैं आगे चलता हूं, अब समरूप आकृतियों में हम और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को और समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि समरूप क्या होता है और सर्वांगुषम क्या होता है, यानी कि समरूप और सर्वांगुषम में हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। ये मेरे को पता होना चाहिए। समरूप यानी कि जिनका आकार, और आकृति, दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आकार और आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाता इस तरीके से, इसलिए भाई हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन लो। देखो बच्चे, अगर मान लो किसी का आकार और आकृति दोनों जो है वो बराबर हो, यानी कि दोनों हमारे समान हो, तब हम उसे सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई कि यार आकार और आकृति में फर्क क्या है, समझ रहे हो? आकार और आकृति में आखिर फर्क क्या है? देखो अगर हम लोग बात करें, मैं अभी पूरा बताऊंगा, आप परेशान मत हो। आकार और आकृति, आकृति को अंग्रेजी भाषा में शेप कहते हैं और इसे हम साइज कहते हैं। ये आपको कोई बताता नहीं है बच्चे, बहुत प्यार के साथ समझो। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कितनी उंगलियां हैं, चार। इनका शेप दिखाई दे रहा है सेम, यानी कि एक ही आकृति की हैं, लेकिन इनका आकार यानी इनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं खे, समझ गए? तो इसका मतलब इनका आकार हमें जो दिख रहा है वो बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका जो आकृति है वो दिखाई दे रहा है सेम। क्लियर माय डियर? एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैं यहाँ पे झड़ी लगा दूंगा एग्जांपल्स की, तुम लोग टेंशन मत लो। ठीक है, नो टेंशन माय डियर, बिकॉज ऑफ गुरुजी हेयर। बहुत प्यार के साथ समझो, ये एक डब्बा दिखाई दे रहा है, बड़ा सा है, ये एक दूसरा डब्बा दिखाई दे रहा है और ये तीसरा डब्बा दिखाई दे रहा है। इसमें काजू है, इसमें चीनी है, इसमें चाय पत्ती है, ये तीन डब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये वाले तीनों डब्बे जरा ध्यान से देखिए, पहले डब्बे में क्या है भाई, ये डब्बा बड़ा है, इनका रूप आपको एक जैसा दिख रहा है लेकिन इनका आकार आपको एक जैसा नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि इनका रूप तो समान है लेकिन इनका आकृति समान नहीं है, समझ गए? रूप समान है मतलब आकृति समान है, बट आकार इनका समान नहीं है। क्लियर माय डियर? इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं बच्चे। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत प्यार के साथ हमारी बातों को समझे। अब समरूप में क्या होगा? समरूप में ये कहा जाएगा कि भैया इनका आकृति जो है ना वो समान होना चाहिए, और आकार समान हो तो भी चलेगा और असमान हो तो भी चलेगा, दोनों में चलेगा, दोनों चलेगा। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। अब जैसे बच्चे बहुत प्यार के साथ हमारी बात को सुनिएगा, हमने एक ये क्या बनाया, ये क्या बना दिया हमने, ये हमने एक वर्ग बनाया। इस वर्ग की भुजा हमने 4 सेंटीमीटर ले ली, फिर हमने एक ऐसा ही और एक वर्ग बना दिया, और इस बार इस वर्ग की भुजा हमने कितनी ले ली, 4 सेंटीमीटर ले ली। ये दोनों का आकार हमको एक जैसा दिख रहा है, हमको आकृति एक जैसी दिख रही है, इसका मतलब ये हमारे सर्वांगसम हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये दोनों हमारे समरूप भी हैं? आपका आंसर होगा यस सर, ये दोनों हमारे समरूप भी हैं। ये इनका आकार भी एक जैसा है और इनकी आकृति भी एक जैसी है सर, इसका मतलब ये समरूप भी हैं, ये सर्वांगसम भी हैं, समझ गए? आगे चलते हैं। ये दोनों हैं, ये समरूप भी हैं और सर ये सर्वांगसम भी है। चलिए अब इसमें एक उदाहरण लेते हैं बच्चे, जरा ध्यान से देखो। ये एक हमने कितने सेंटीमीटर का ले लिया, ध्यान से समझना। ये हमने ले लिया, एक त्रिभुज बनाते हैं ना, ये हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में ये तीन है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, मान लो सर ने ऐसा ले लिया। ठीक, फिर सर ने एक और त्रिभुज ले लिया ऐसे, है ना, सर ने एक और त्रिभुज ले लिया। फिर उसके बाद अब सर ने क्या किया कि
उसका भी सेम ही ऐसा ही सब कुछ है, है ना। ये तीन चार पांच है, तीन चार पांच है, यानी इनका आकृति भी समान है, इनका आकार भी समान है, यानी कि ये समरूप हैं, ये समरूप हैं। लेकिन मान लो मेरे प्यारे बच्चे कि हम एक इस तरीके से आयत ले लेते हैं ऐसे, और एक हम छोटा आयत ले लेते हैं ऐसे, हमने दो, सॉरी आयत नहीं है, वर्ग है, ये भी एक वर्ग ले लिया, ये भी एक वर्ग ले लिया, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भी क्या दिखाई दे गए, ये भी हमें समरूप दिखाई दे गए, यानी इनका रूप तो समान दिख रहा है लेकिन इनका आकार जो है वो समान नहीं है, लेकिन तब भी ये समरूप है। इस बात से मुझे एक बात का पता चलता है, इस बात से मुझे एक बात का पता चलता है मेरे प्यारे बच्चों, कि बहुत प्यार के साथ सुनना, कि जो आकृतियां सर्वांगशम हो, या हम कह सकते हैं जो आकृतियां सर्वांगशम हो वे समरूप हो सकती हैं, परंतु हो सकती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगशम नहीं हो सकती। मैं फिर आपको एक बार आगाह करता हूं, पूरे YouTube पे आप ढूंढते ढूंढते फिरोगे मेरे प्यारे बच्चे, आपको नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी पढ़ाने वाला। मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपके भविष्य के बारे में सोच रहा हूं कि भैया देखो ये सर्वांगशम थे तो ये समरूप भी हैं, क्योंकि इनका आकृति आकार दोनों समान है, इसीलिए सर ने लिखा जो आकृतियां सर्वांगशम हो वे समरूप हो सकती, है ना, या हम कहें कि समरूप होंगी, ये हो सकती है, शब्द ही हटा दो, है ना, वो समरूप भी होंगी, परंतु सभी समरूप आकृतियां, अभी देखो ये समरूप तो हैं लेकिन ये सर्वांगशम नहीं है। तो यहां से आपको समरूप और सर्वांगशम का कॉन्सेप्ट समझाने में हमारे को 20 मिनट लग गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इतनी बात सभी के दिमाग में चढ़ गई, सभी लोग यार सेशन को शेयर करना पड़ेगा इसे, ठीक है, सभी को शेयर करना पड़ेगा इसे, दोस्तों के साथ भेजना पड़ेगा, ठीक है। चले बाल को आगे, सभी को क्लियर माय डियर, चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ सारे बच्चे फोकस करें प्लीज, कविता प्लीज टाइप कर दीजिए आपकी, प्लीज लाइक द सेशन, देन मैं आपकी कमेंट को पिन कर देता हूँ ताकि सारे बच्चे कमेंट्स को जल्दी जल्दी से एक बार बता दीजिए, सभी को आसानी से समझ में आ गया सब, चलो भाई आगे चलते हैं, ओके माय डियर, चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से इतनी बात हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है हमारी 6.1। क्या लिखा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरो, सभी वृत्त समरूप और सर्वांगशम। अब बच्चे जरा ध्यान से देखो, अब आप जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि वृत्त ये बनाया और एक वृत्त हमने ये बना दिया, अब आप मुझे बताओ ये वाले जो वृत्त दिखाई दे रहे हैं दोनों का आकार बराबर है तब तो ये सर्वांगशम होंगे, लेकिन मान लीजिए कि एक वृत्त को सर ने कर दिया छोटा, ऐसे कर दिया मान लो सर ने, ठीक है, इसको सर ने कर दिया छोटा, और अगर सर इसको छोटा कर देंगे तो क्या होगा, ये तो समरूप है लेकिन ये सर्वांगशम नहीं है, तो इसका मतलब इसका सही जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, समरूप, कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे सभी के सभी सारे के सारे हमारे जो त्रिभुज हो वो सारे के सारे
सर्वांगसम ही हो, ऐसा कोई सॉरी सारे सारे व्रत सर्वांगसम हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर छोटा हो गया तो फिर ये हमें समरूप मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, सभी वर्ग, अगर हम सारे वर्गों की बात करें तो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि भाई मान लो एक बड़ा वर्ग हो जाए, है ना, और मान लीजिए कि एक छोटा वर्ग हो जाए, ठीक है, तो बड़ा बना दिया सर ने, और मान लीजिए एक छोटा बना दें ऐसे, हम दो हो गए, एक बड़ा एक छोटा, इसका मतलब सारे जो भी हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे प्यारे बच्चे वर्ग होंगे वो सारे के सारे समरूप होंगे। ठीक, ठीक है, आगे चले। बीच में आई थिंक स्क्रीन बंद हो रही थी, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, 3-4 दिनों के बाद जो हमारा ये कैमरा है जिससे मैं क्लास कर रहा हूँ, ये कैमरा सर्विस के लिए जाएगा, तो 3-4 दिन आप लोगों की क्लासेस जो होंगी वो दूसरे टाइप से मैं लूँगा। ऐसा नहीं होगा कि क्लास नहीं होगा, क्लास होगा, लेकिन मैं दूसरे टाइप से लूँगा। ठीक है, दूसरे टाइप का मतलब दूसरे स्टूडियो में, ठीक है, दूसरे स्टूडियो में हम आपकी क्लास लेंगे, आप परेशान मत होइए। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है, जाइएगा मत, रुकिएगा, जब टीचर मेहनत कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बाकी आपका भविष्य है, आप ज़्यादा समझदार हो। जब तक ये ऑन होता है, एक सेकेंड, ऑन होता है बच्चे, एक सेकेंड रुकना, सब लोग पढ़ाई कर रहे हो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज हमने ये बनाया और एक त्रिभुज हमने ये बनाया, अब इसकी एक भुजा हो गई 3, इसकी भुजा हो गई 4, है ना, अब मान लो 3 और 4 हो गई, तो अभी ये है कि अगला जो है 5 हो गया, अब मान लीजिए हमने इसको 3-4 तो कर लिया, लेकिन हमने इसको फिर क्या कर दिया, इसको हमने 6 कर दिया। अब ऐसे केस में क्या होगा कि भाई इसकी 2 भुजाएं तो एक जैसी दिख रही थी लेकिन तीसरी बराबर नहीं हुई, तो इसका मतलब जितने भी हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो सब समरूप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे ले सकते हो कि मान लीजिए एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो हम बोलेंगे कि भैया ये त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं, कौन से, समबाहु वाले। अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समान समरूप होते हैं यदि उनके संगत तथा उनकी संगत भुजाएं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में आपके पूछी जाएगी। 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज तभी समरूप हो पाएंगे जब उनके भुजाओं जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो और भुजाएं उनकी समानुपाती हो। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं, ये इसमें भरोगे 1 नंबर में, ये भरोगे 2 नंबर, इसका अर्थ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये सर ने त्रिभुज बनाया और एक सर ने ये और त्रिभुज बना दिया, ऐसे 2 त्रिभुज बना दिए, ठीक है, सर ने इसको लो थोड़ा सा घुमा दिया, एक सेकंड रुकिएगा, ऐसे कर दिया सर, ठीक, 2 त्रिभुज बना दिया सर, इसकी एक भुजा है 3, ये भुजा है 4 और ये भुजा है 5, ठीक है माय डियर। इसके बाद इसका ये कोण सर ने मान लिया कि 90, ये कोण सर ने मान लिया कि 30 और ये कोण सर ने मान लिया कि 60, मैं मान ही रहा हूं, ठीक, समझने का प्रयास करो।
उसके बाद अब इस पे आते हैं, ये कोण सर ने मान लिया कि 90, ये कोण 30, ये कोण 60, ये भुजा 4, ये भुजा 5, ये भुजा 3। अब ये समझने की कोशिश करो, अब यहां पर आया कि संगत भुजाएं, ये संगत को पहले समझो कि संगत क्या है, बहुत प्यार के साथ समझो बच्चे, संगत क्या होता। संगत का मतलब है, जैसे हमने कहा कि 90 के सामने 5 है, इसका मतलब जो ये वाली भुजा है और ये वाली जो भुजा है जिसमें हमने पिंक कलर कर दिया है, ये इस भुजा के संगत है, समझ में आई बात। फिर उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस इधर आते, 30 के सामने 3 है, इधर भी 30 के सामने 3 है, ये जो आपको भुजा दिख रही है ब्लू कलर वाली, ये इसके संगत है, ठीक आ गई मेरी बात समझ में। फिर उसके बाद इधर आते हैं, इसको देखो, ये जो 60 के सामने भुजा है ये वाली, ये भुजा इसके संगत है। तो ये सर ने बताया कि ये संगत भुजा है, संगत का अर्थ समझा दिया आपको। अब आप जरा ध्यान से देखो, संगत कोण बराबर है, इसके सामने 60 यानी ये 60, इसके सामने 30, इसके सामने भी 30, इसके सामने 90, इसके सामने भी 90, यानी इसके संगत कोण बराबर है। अब इसकी संगत भुजाएं निकालते हैं, संगत भुजाएं कौन सी है, 3 वाली, 3 के समान है, या हम नाम दे देते हैं चलो इनका, ए बी सी, ए बी सी कर दिया, पी क्यू और आर। अब ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं एक बात फिर से आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा टफ है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इधर लिखा सर ने त्रिभुज ए बी और सी, और ये जो चिन्ह लगाया ये त्रिभुज चिन्ह है समरूप का। अब सर इधर लिखने जा रहे हैं पी क्यू आर, बहुत प्यार के साथ समझो, अगर पी क्यू आर लिखेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। ए के ए वाला कोण कितना है 60, अब मैं देखूंगा इधर कोण कौन सा है 60, यानी कि मुझे क्यू लिखना पड़ेगा, ए वाला क्यू के संगत है, ठीक। अब बी को देखो, बी 90 है तो आर भी 90 है, यानी कि आर लिखना पड़ेगा, लिखने का सही तरीका यह है। फिर उसके बाद आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब सी, सी बराबर यहां 30 है तो पी पर भी 30 है, यानी कि अगर हम इधर पी क्यू आर लिखते तो गलत होता और क्यू आर पी लिखेंगे तो सही होगा, समझ में आई मेरी बात, क्लियर है इतनी बात। अभी उस बच्चों की संख्या हो गई कम, क्यों कम हो गई है, जोश कम हो गया, कठिन लग रहा है पेपर के समय और दिक्कत हो, ठीक। चलो यहां तक क्लियर हो गया माय डियर, और अब हम समानुपाती का अर्थ समझते हैं। जैसे मान लो हमने आपको बताया कि ए क्यू के संगत है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए इस तरीके से चिन्ह बनाएंगे, क्यू के संगत है, ठीक है। बी आर के संगत है, बी आर के संगत है, और सी पी के संगत है, ओके यहां तक समझ में आ गया, ये संगत का अर्थ बता दिया। अब समानुपाती समझाते हैं, ए बी, ठीक। अब ए बी भुजा के संगत कौन सी भुजा होगी, आर क्यू, तो मैं आर क्यू लिखूंगा क्योंकि इधर भी 3 इधर भी 3। फिर मेरे प्यारे बच्चे फिर से आगे देखो, अब हम बी सी लिखते हैं, और बी सी के संगत कौन सी है, 4 यानी कि पी आर। फिर उसके बाद ए सी, ए सी के संगत कौन सी है, पी क्यू, इधर 3/3, 4/4, 5/5, कट के आंसर एक आया, कट के आंसर एक आया, कट के आंसर एक आया। तो सर ने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से दो त्रिभुज हमारे समरूप हो सकते हैं, संगत का अर्थ क्या है, समानुपाती का अर्थ क्या है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, आगे चलते हैं। क्लास 11th का क्लास आ चुका है, पहले देख लिया करिए बच्चे क्या आज क्लास अपलोड हुआ है कि नहीं। निम्नलिखित युग्मों के भिन्न दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ये बोला गया है बच्चे समरूप आकृतियों का उदाहरण दीजिए। देखो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये चीज अभी हमने देखी। सभी जो वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, उदाहरण दो इसका, देखो एक त्रिभुज व आयत, क्या ये हमारे समरूप हो सकते हैं, बताओ, नहीं हो सकते है ना। ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का पहला है, ये दूसरे का पहला आंसर है, दूसरा आंसर भी। एक वृत्त व वर्ग,
क्या ये कभी समरूप हो सकते हैं कि भैया एक वृत्त बना दिया, ये वर्ग बना दिया? अरे इनका आकृति ही नहीं सेम है ना, एक ये सर ने त्रिभुज बना दिया, एक सर ने आयत बना दिया, क्या ये समरूप हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई इतनी बात? चूंकि यार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आगे शायद ये एक हमने यहाँ पे एक चीज लिख रखी है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, कि संगत कोण बराबर हो। मैं अभी पीछे बता चुका हूँ, है ना, उनकी संगत भुजाएं एक ही में अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। पीछे ये चीज हम अभी पूरी बता चुके हैं, ये देखो बच्चे यहाँ पर मैं पूरी रिपीट कर चुका हूँ। तो ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, उनकी सर्वांग समरूपता का क्या नियम है, दो बातें आपको याद हो, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब हमारा क्लास जो है खत्म होता है, मैं कुछ इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बस इतना हम आपको बता देंगे कि 25 जुलाई तक हमारा जो शक्ति बैच है वो सिर्फ आप 1750 में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं पूरी क्लास अब यहीं पर करूंगा समाप्त। ये हमारी 6.1 एक्सरसाइज हो गई है समाप्त। अगली क्लास में हम 6.2 एक्सरसाइज लेके आएंगे। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात बोलना चाहता हूँ कि बच्चे क्वेश्चन टफ है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आपको मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आप भटक जाएंगे। अगर आप मेरे से वास्तव में पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो भाई आप डेली आओ और डेली दिल लगा के पढ़ो, समझ में आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। चलो भाई, जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लो।